नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, किस तरीके से आप अपने सॉन्ग को कॉपीराइट करा सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं पूरी तरीके से अपने सॉन्ग को, और सॉन्ग को कॉपीराइट क्यों कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हाँ जी कॉपीराइट किस तरीके का फॉर्म होता है और कॉपीराइट किस तरीके के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, कॉपीराइट एक तरीके का फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का, जो कि दिया जाता है इंडियन लॉ के द्वारा। क्रिएटर जो कि ओरिजिनल वर्क बनाते हैं, ऑथरशिप करते हैं, लिटरेरी वर्क बनाते हैं, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटिक, ग्राफिक और फिल्म्स या साउंड रिकॉर्डिंग्स क्रिएट करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक तरीके से कॉपीराइट करा सकते हैं और कॉपीराइट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कॉपीराइट कराना चाहते हैं सॉन्ग को, तो देख लीजिए इंडिया में जो है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, गवर्न्ड है कॉपीराइट एक्ट 1957 के हिसाब से। अब देखा जाए, ये हैंडल्ड होता है कॉपीराइट ऑफिस के द्वारा, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स अपॉइंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अब बात करें कॉपीराइट, अगर आप सॉन्ग को करते हैं तो म्यूजिक कैन बी कॉपीराइट, अगर देखा जाए फॉलोइंग एप्लीकेशन आपकी जाएगी। एप्लीकेशन इस फॉर्म में जाती है कि आपका म्यूजिक जो है वो दो कॉपीज ऑफ वर्क ग्राफिकल नोट्स में जाता है, NOC सर्टिफिकेट जाता है पब्लिशर का, जो कि पब्लिश्ड होता है, ठीक है, एप्लीकेशन में NOC फ्रॉम ऑथर इफ एप्लीकेंट इज अदर देन ऑथर, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फाइल्ड है अटॉर्नी के थ्रू तो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी भी जाती है, ओरिजिनल ड्यूटी साइंड बाय एप्लीकेंट और एक्सेप्टेड बाय अटॉर्नी। देखिए, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग दो कॉपीज जाती है वर्क की, NOC फ्रॉम पब्लिशर इफ वर्क पब्लिश्ड फ्रॉम एंड पब्लिशर इज डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेंट, ठीक है। अगर एप्लीकेशन फाइल्ड है थ्रू अटॉर्नी तो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी भी जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको। कॉपीराइट विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट ऑथेंटिसिटी, सिर्फ ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्ट नहीं करता, थिफ्ट भी बचाता है, चोरी भी बचाता है। टू सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स होते हैं इसके कि आप म्यूजिक कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक तरीके से ले सकते हैं, पब्लिसिटी अवेलेबल राइट्स पे, और फाइलिंग ए कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट सूट अगर हो सकता है तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कॉपीराइट की वैलिडिटी कितनी होती है, देखिए अगर आप कॉपीराइट करा रहते हैं, वर्ल्ड वाइड बर्न कन्वेंशन के हिसाब से एप्लीकेबल लॉ है मेंबर नेशंस के, तो लिस्ट ऑफ बर्न कन्वेंशन की दी हुई है, बहुत बड़ी दी हुई है। तो जनरल रूल है, देखिए वो कॉपीराइट का 60 साल का है, बट अगर देखा जाए फॉर वर्क क्रिएटेड आफ्टर 1 जनवरी के हिसाब, वो 70 साल तक कॉपीराइट्स रहते हैं। तो बाय रजिस्टरिंग कॉपीराइट ऑफ योर सॉन्ग क्या क्या एप्लीकेबिलिटी या एबिलिटी मिल जाती है आपको, देखिए आपका जो सॉन्ग है वो एट एनी प्लेस पर चलाया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है और सेल की जा सकता है, और उससे मनी अर्न की जा सकती है, मोनेटाइज किया जा सकता है, मोनेटाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं। अब किस तरीके से सॉन्ग को कॉपीराइट कराना, देखिए आप सॉन्ग कॉपीराइट कर सकते हैं हमारे थ्रू, हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे, नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आप लिरिक्स को कैसे कॉपीराइट करा सकते हैं। देखो, लिरिक कॉपीराइटिंग डिफरेंट होता है लिटरेचर कॉपीराइटिंग से। लिरिक कॉपीराइटिंग एक तरीके से एक्सक्लूसिव है सॉन्ग राइटिंग के लिए, और प्रोसेस लिरिक राइटिंग का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब हाउ मच डज इट कॉस्ट, देखिए पर्टिनेंट जो जो आपका कंसल्टेंट होगा उसकी अलग कॉस्ट होगी, अगर आप हमसे कराते हैं, हमसे पूछते हैं तो हमारी अलग है। देखिए, हाउ टू गेट कॉपीराइटिंग फॉर ए सॉन्ग, देखिए पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है। आपको कॉपीराइट सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा कॉपीराइट मटेरियल पब्लिश होता है जनरल में या नहीं। वंस कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बेनिफिट्स आपके हाथ में होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। आपके कॉपीराइट को कंडक्ट किस तरीके से किया जा सकता है, देखिए एनी जो भी लाइसेंस्ड IPR कंसल्टिंग फर्म है वो कंडक्ट कर सकती है कॉपीराइट, सर्च कर सकती है, स्कैन कर सकती है, आपको रेकमेंड कर सकती है, ट्रेडमार्क सर्विसेज हैं तो वो भी। तो ये चीज़ें हैं रजिस्टर करने के लिए, मैंने आपको बताया ही है। अब वेयर कैन यू अप्लाई, देखिए वो भी डिटेल मैंने दी है आपको, नीचे दिए हुए नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन वी रजिस्टर सॉन्ग विद कॉपीराइटेड ऑफिसेज, देखिए यस यू कैन, प्रेफर ऑनलाइन प्रोसेस फॉर फास्टर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन प्रोसेस फास्टर रजिस्ट्रेशन है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, देखिए टाइम लगता है, आसानी से नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। क्या आप पेटेंट भी करा सकते हैं, अप्लाई फॉर सॉन्ग नहीं, आपको सिर्फ कॉपीराइट मिलता है सॉन्ग्स के लिए, और मैंने आपको बताया कि हाँ जी किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन फॉर म्यूजिक लाइसेंसिंग, मैंने ऊपर भी बताई है फिर भी बोल देता हूँ। देखिए, सॉन्ग्स कॉपीराइट कराने के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट चाहिए, NOC ऑथर पब्लिशर प्रोड्यूसर कंपोजर एंड ऑल अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द सॉन्ग क्रिएशन, तो ये चीज़ है। इसके अलावा देखिए, हाउ कैन यू सिक्योर ए कॉपीराइट फॉर योर सॉन्ग, देखिए वी हैव ए लार्ज टीम, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप उसमें डिटेल जान सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बताया ही था, उसी तरीके से आप हमसे क्वेश्चन पूछ के सारी डिटेल ले सकते हैं
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर का लिंक है, उसको दबा दीजिए। उसको दबा के आप हम तक पहुंच सकते हैं व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करने के बाद आपने नीले रंग का जो बटन है, जो लिंक है, उसे क्लिक कर देना है और आप हम तक आ सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं दिख रहा तो आप ये जो नीचे दिया हुआ नंबर आ रहा है पट्टी पे, आप इस पे क्लिक करिए या आप कॉल करिए डायरेक्ट और आप हम तक पहुंच सकते हैं। आपकी जो भी कॉपीराइट सॉन्ग को रिलेटेड क्वेरी है वो हम पूरी सॉल्व करेंगे, पूरी परेशानी सॉल्व करेंगे। तो रिमेन कनेक्टेड और थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।